आप क्यों देखो ना मतलब कैमरे के साइड में देखो ना सॉरी मुझे लगा कैमरे के अंदर देखो सॉरी और ये पूरा एडिट करना अच्छे से अरविंद ये जो भी है साथ में मत डालना अनकट मत डालना आई आई टॉक टू द लक्ष्मी गांधी आल्सो बोला सौदागर 1991 से विजय जी वेडिंग 2019 काफी लंबा सफर होता है इस तरह से सफर गया थोड़ा मतलब रोलर कोस्टर राइड था ऊंचा नीचा अभी भी रोलर कोस्टर राइड ही है बट टचवुड अब थिंग्स आर लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग मतलब ब्राइट तो पहले तो मतलब मूवीज़ की फिर बहुत सारा टेलीविजन किया फिर मैंने सोचा वापस मूवीज़ के लिए ट्राई किया जाए तो फिर आई वॉज़ लकी मुझे वो तमाशा मिली इम्तियाज़ अली की तमाशा जिसमें मेरा रोल बहुत अप्रीशिएट हुआ लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म चली नहीं जा रहा लेकिन उसके मारे ही मुझे मेरे ख्याल से बेगम जान मिली और ये फिल्म मिली वीरे दी वेडिंग तो टचवुड और अब ये वाली फिल्म लोगों ने पसंद भी किया है और चली भी है सो आई एम होपफुल कि अब द करियर विल गेट दैट किक दैट आई वांटेड किक अप कोई एक मेमोरी आप शेयर कर सकते हैं जहां पे देखा जाए तो फिर कि आपको लगा कि हाँ अब मैं शक्कर हूँ या तो फिर ये मेरा अच्छा समय जा रहा है देखा जाए तो उस टाइम के बारे में जानना चाहूँगा मैं उस समय तो मैं बहुत छोटा था मुझे कुछ पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ मैं तो कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहता था यूँ ही ढलते ढलते एक ऑफिस में गया और मुझे ले लिया इतना आसान हाँ जी तो उस समय का तो मैं एकदम ही मतलब अच्छा टाइम बुरा टाइम 20 साल की उम्र में आप अच्छा टाइम बुरा टाइम की परवाह नहीं करते हैं 20 साल की उम्र में आप यू नो अलग सोच के होते हैं हाँ और क्या बहुत बड़ा मौका था लेकिन एज अ क्योंकि मैं ज़्यादा फिल्में देखता भी नहीं था तो मेरे लिए वो एहसास करना ही बहुत मुश्किल था कि बहुत बड़ा मौका है लेकिन हाँ मतलब जो यादें आज की डेट में देखता हूँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया यादें और बहुत ही फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मैं उनके साथ काम कर पाया हूँ पूरा माहौल उनके साथ बैठना बातें करना काम से तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना कि आप लोगों को पहचानो लोगों को जानो लोगों की यू नो उनसे ज्ञान लो तो बहुत बहुत ही फॉर्चुनेट रहा हूँ सीखने के लिए तो बहुत मिला वो मतलब कितना सीखा मैं नहीं जानता बट सीखने के मिला बहुत दिलीप साहब तो मुझे वॉक्स पे ले जाते थे हाथ पकड़ के चलो चलो शाम को जो वॉक करते थे तो मैं उनके साथ वॉक करते करते अपनी कहानियाँ सुनाते थे अपने टाइम की राज जी बहुत वेरी फॉन्ड ऑफ मी वो मुझे बड़ी कॉल यू नो साथ बिठाते थे चाय पिलाते थे बातें करते थे अपने टाइम की बातें करते थे दोनों और सुभाष जी वो तो मतलब उनसे बहुत सीखने को मिला पूरा कैमरे के सामने कैसे आना क्या करना और मतलब सीखने को तो बहुत मिला जैसे राज जी के साथ बहुत फ़नी इंसिडेंट होता था जब बोलते थे चाय एक बार उन्होंने बोला चाय पियोगे मैंने बोला हाँ जी पीऊँगा तो बुलाया अपने हेल्प को सुनो जरा चाय लाना और सुनो चाय में दूध डालना दूध में चाय नहीं मतलब बात वही है कि दूध कम डालना तो उनका अंदाज ही एक अलग था तो बहुत मज़ा आता था उन लोगों के साथ दिलीप साहब अपने खानसामा के साथ ट्रैवल करते थे तो वो खाने के लिए बुलाते थे खाना वाना बनवाते थे शाम को खाने के लिए बुलाते थे कभी कभी तो बहुत बहुत मज़ा आता बहुत साल में दूर रहा मैंने बहुत टेलीविजन किया मैंने पहले सोनपर ही किया जो बहुत चला सालों साल चला इनफैक्ट नहीं परवरिश अभी किया था तो सोनपरी बहुत साल इनफैक्ट आजकल की जो नई जनरेशन है यंगस्टर्स वो मुझे सोनपरी से ज़्यादा याद रखते हैं और अच्छी तरह याद रखते हैं मतलब कि कहीं पर भी जाओ तो अभी जो 20 साल के लोग हैं 18, 20, 22, 25 हाँ आप भी तो मुझे तो तब लगता था कि मैं दुनिया का मतलब सबसे घटिया एक्टिंग कर रहा हूँ सबसे घटिया शो कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल शो था घटिया इन द सेंस कि बहुत ही एक्टिंग के लिए बहुत अप्रिशिएट किया गया इसीलिए तो करते रहे हम लोग
बट मेन चीज़ क्या है, ये बहुत ही सिंपल एक्टिंग थी ना, ए बी सी डी एक्टिंग की, ए बी सी डी थी, कुछ ग्रेट एक्टिंग की ज़रूरत नहीं थी. यू नो इट्स लाइक बहुत ही, बट बहुत मज़ा आता था हम लोग को. यूनिट बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत एक दूसरे के दोस्त हो गए थे. 6-7 साल चला. और ये अच्छा है कि यू नो कब चीज़ क्या की है, किस लोग आपको कैसे याद रखते हैं, किस चीज़ के लिए आप इन फ्यूचर, क्योंकि जो भी चीज़ बनती है वो तो हर साल, मतलब नई नई चीज़ें आते रहती हैं, लोग भूलते जाते हैं. तो लोग ये फैक्ट कि लोग आपको याद रखते हैं, यही बहुत बड़ी बात है. डिफरेंस तो बहुत है, माहौल के हिसाब से डिफरेंस है. एक तो टेलीविज़न में आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है दिन में, और आप परफेक्शन की ओर नहीं जाते हो. फिल्म में आप थोड़ा और परफेक्शन की ओर जाने की कोशिश करते हो, आप एक ही सीन को 10 बार करते हो, एक ही शॉट को 20 बार करते हो. टेलीविज़न में आप 1 बार 2 बार 3 बार आगे निकलो. टेलीविज़न में आप दिन में 5-5 सीन कर देते हो, कभी कभी 10-10 सीन कर देते हो. मतलब समझ भी नहीं आ रहा क्या कर रहे हो आप, ऑटो पायलट में चल रहे होते हो. फिल्म में आप पूरी मेहनत से 1 सीन करते हो, 2 सीन करते हो. एंजॉय तो क्या है, जहाँ रोल अच्छा है वहाँ इन्जॉयमेंट है. तो मैंने सब कुछ ही एंजॉय करने की कोशिश की है लाइफ में. कभी ऐसा नहीं सोचा है कि काश वो कर रहा होता है, काश ये कर रहा होता है. सोनपरी भी मैंने बहुत एंजॉय करता था. फिर मैंने एक सीरियल किया था भास्कर भारती, कॉमिक कैरेक्टर था मेरा उसका, बहुत एंजॉय करता था मैं. बल्कि उन लोग अवार्ड नहीं मिला, अवार्ड मिला था क्या मुझे याद नहीं, लेकिन नॉमिनेशन तो बहुत थे. और उन लोगों ने मतलब मेरा कैरेक्टर बढ़ाने लगे, क्योंकि मैं इतना एंजॉय करके कर रहा था. और फिर परवरिश में बहुत एंजॉय करते थे, सब फ्रेंड्स भी बन गए थे. और फिर तमाशा में बहुत एंजॉय किया मैंने, रणबीर के साथ काम करना, इम्तियाज़ के साथ काम करना, बेगम जान भी एंजॉय की, वीरे दी वेडिंग तो बहुत ही एंजॉय की हम लोगों ने. अपना पूरा 2 महीने तक दिल्ली में शूटिंग करना. सबसे पहले तो चीज़ क्या है, वीरे दी वेडिंग में जो मेरा मेन पोर्शन शूट हुआ, उन दिनों मुझे 104 बुखार था. तो मैं सिर्फ बुखार के बारे में सोच रहा था, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा था. मैं सोते रहता था, शॉट रेडी है, मैं उठता था, जाता था, शॉट करके आ जाता था. मैं बस मतलब फिंगर्स क्रॉस थी कि काम ठीक निकल जाए. मुझे लग रहा था मैं बहुत ही बेकार काम कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ. जो भी है, डायरेक्टर को अच्छा लग रहा है, ठीक है. हाँ वही है, वही है ना, वही ना, बहुत अप्रिशिएट किया. तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मतलब, क्योंकि उस समय क्या है, जब फीवर में आप होते हो तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश भी करते हो, लेकिन पता नहीं होता दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो थोड़ी. और फिर बाद में वो 4-5 दिन बाद पता चला वो डेंगू था. तो मतलब फीवर ही नहीं था, वो डेंगू था. तो मतलब काफ़ी ड्रेन्ड बॉडी रहती है. बट टचवुड, क्योंकि मूवीज़ में काम कम होता है दिन में, सो मैनेज कर लिया. और बहुत मज़ा आया, करीना के साथ बहुत सीन्स किए मैंने, बहुत मज़ा आया. बहुत ही प्रोफेशनल एक्ट्रेस है. और सोनम वेरी गुड. सोनम की तो फैमिली भी है, तो मतलब उसका तो एक शी वॉज पार्ट प्रोड्यूसर ऑल्सो. हर सिस्टर रिया भी बहुत ही मतलब पैशनेट प्रोड्यूसर है. उसने लुक बहुत अच्छा दिया फिल्म में मुझे. और डायरेक्टर तो मतलब शशांक जी तो इज़ ब्रिलियंट, शशांक घोष. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद हिम, टच वुड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. बहुत क्रेडिट देता हूँ डायरेक्टर को, वो हमें पूरा कंफर्टेबल रखते थे. मुझे रोज़ पूछते थे आज फीवर है, आज फीवर है, क्योंकि डायरेक्टर को भी लगता है यार कि ये बंदा भगवान करे ठीक कर ले, मैनेज तो कर लेगा ना, बिस्तर में तो हॉस्पिटल तो नहीं चलेगा, घर तो नहीं जाएगा. तो टच वुड बहुत अच्छा. अब वो मतलब अच्छे डायरेक्टर की यही खूबी होती है, वो कैसे आर्टिस्ट को कंफर्टेबल करता है और जो चाहिए होता है निकाल लेता है आर्टिस्ट से. जी हाँ, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो कि एक्ट भी किया, डायरेक्ट भी किया. एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म है, एक मैसेज भी है उसमें. कोई डायलॉग्स नहीं है, सिर्फ एक रेडियो बज रहा है, और एक रेडियो के बजने में जो जो आ रहा है रेडियो में, उस पर 2 लोगों के रिएक्शंस हैं. जो कमरे में कहानी हो रही है उस पर 2 लोगों के, बेसिकली साइलेंट फिल्म है, रिएक्शंस के ऊपर है, एक्सपेरिमेंटल है.
ख्याल से 8-10 दिन में बाहर आएगी, तो बाकी देख कर ही आई होप पीपल लाइक इट। अच्छी लगेगी तो 2-4 और बनाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। डायरेक्शन का टचवुड बहुत ही मतलब स्मॉल स्टेप है, ज़्यादा कुछ मुश्किल काम तो ये होता है कि आप डायरेक्ट कर रहे हो उस शॉट में आप भी हो, वो तो थोड़ा डिफिकल्ट रहा मेरे लिए, क्योंकि शॉर्ट फिल्म में ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं होता, और ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, और ज़्यादा आपके पास मतलब हेल्प भी नहीं होता, सब दोस्ती लोग मिलके कर रहे होते हैं। बट इट्स टर्न आउट वेरी वेल, दैट इज़ द मेन थिंग। बहुतों से मुझे सुभाष जी के साथ काम किया, वहाँ बहुत सीखने को मिला, कुछ टीवी डायरेक्टर्स के साथ बहुत सीखने को मिला मुझे, जो कि मतलब सीखना मतलब जो मेरी परफॉर्मेंस एनहांस कर देते थे। फिर इम्तियाज़, बहुत ही मज़ा आया इम्तियाज़ अली के साथ, वो एक एक लाइन बोलते थे, बस दूर से एक लाइन का इंस्ट्रक्शन देते थे और वो मतलब वो सीन में एक अलग ही बात आ जाती थी। शशांक ब्रिलियंट, वो भी एक लाइन आते थे, एक छोटी सी बात कान में बोल जाते थे और इससे एनहांस हो जाता था। सोशल मीडिया का यही कहना है कि ये जितनी भी हैं सब उसके मारे ही हैं। एडिक्शन हो जाता है फ़ोन पे, चाहो चाहो 24 घंटे रहना, व्हाट्सएप, फेसबुक, यू नो, इंस्टाग्राम, ये सब। लकीली मैं अभी तक ट्विटर में नहीं हूँ, वरना पूरा ही काला हो गया होता ये। और सोशल मीडिया अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है, आई गेस यू नो, फेक न्यूज़ भी भरी हुई है, लेकिन फेक न्यूज़ के साथ साथ कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। लोग आई गेस इट्स इवॉल्विंग, सो आप अच्छा देखो तो अच्छा है, नहीं तो लेकिन जो यंग टैलेंट जो आ रहा है उनके लिए कितना डिस्प्लेटफॉर्म चाहिए, और देखा जाए तो आप किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है ये बात। हाँ, बहुत लोग हैं जो बहुत पैशनेटली सोशल मीडिया में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, और अब मैं नहीं जानता कि वो उससे उनको काम कितना मिलता है या नहीं मिलता है। फेम तो हो जाती है, फेम तो आप देखो तो आजकल कोई रायपुर में बैठकर भी ऑल इंडिया फेम ले सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, सो वो तो है। लेकिन एज एन एक्टर एक्टिंग वर्क कितना मिलता है वो मुझे अभी तक पता नहीं, अगर वो भी मिलता है तो मैं भी सोशल मीडिया में एकदम घुस जाऊँगा। हाँ ऑब्वियसली पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री बहुत चेंज हुई है, पहले जिस टाइप की फिल्में बनती थी, पर मेरे ख्याल से उसका मेन रीज़न ये है कि अब ऑडियंस ज़्यादा एजुकेटेड है, और पहले क्या होता था वो अब आजकल क्या है वो महंगे टिकट्स वाले ज़्यादा पैसा वहाँ से आ रहा है, तो उस टाइप की फिल्में ज़्यादा बन रही हैं। पहले क्या है फ्रंट सीट से ज़्यादा पैसा आता था, तो पिक्चरें वो वाली ज़्यादा बनती थी। सोशल बट ऐसा नहीं है, आप देखो तो मतलब मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी मूवीज़ पिट रही हैं और छोटी मूवीज़ भी चल रही हैं, बड़ी मूवीज़ भी चल रही हैं, मतलब कोई लॉजिक नहीं है मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में। कुछ पिक्चरें मुझे बहुत ही वाहियात लगती हैं जो सुपर डुपर हिट हो जाती हैं, और कुछ पिक्चरें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं तो थोड़ी भी नहीं चलती हैं। लेकिन हाँ, छोटी फिल्में में जनरली वही चलती हैं जो अच्छी होती हैं, जो कंटेंट ड्रिवन होती हैं, सो बहुत अच्छी बात है। मतलब इसी से मतलब आई होप, मैं तो बहुत चाहता हूँ कि मुझे ऐसी पिक्चरें करने का चांस मिले जो कि इंडिपेंडेंट छोटी सी फिल्म है, एक यू नो फिल्म मेकर बहुत ही पैशन के साथ बनाता है, जैसे वो बनी थी लंच बॉक्स, छोटी सी फिल्म निकाल से 15-16-20 दिन में शूट कर दी और कहाँ कहाँ पहुँच गई फिल्म। सो मैं तो बस चाहता हूँ मुझे कोई दे दे वैसी फिल्म। उसमें मैं कर रहा हूँ और एक मेरी को एक्ट्रेस थी एक टीवी शो में, उसका नाम है वानी शर्मा, वो कर रही है। सिर्फ योगा डे पे योगा मत करो, बाकी साल भी करो। मैं बहुत करता हूँ योगा, और प्राणायाम से तो मुझे लगता है बहुत बेनिफिट होता है।
मैं योगा करता हूँ, मैं जॉगिंग करता हूँ 7-8 किलोमीटर, फिर मैं फ्री हैंड एक्सरसाइज करता हूँ, मैं गार्डन में जाता हूँ तो वहाँ पर फ्री हैंड एक्सरसाइज करता हूँ अपना, पुशअप्स, पुलअप्स, स्ट्रेचिंग, बर्पीज, स्क्वाट्स, जो भी होता है सब फ्री हैंड एक्सरसाइज करता हूँ। और पसीना मुझे इतना आता है, पता नहीं क्यों, शायद बॉडी नेचुरली ज़्यादा क्या है कि लगता है मैं शावर लेकर आया हूँ। और लोग जब मैं जा रहा होता हूँ वापस घर तो लोग ऐसे देख रहे होते हैं कहाँ से आ रहा है, उस टाइप की शक्ल होती है, मुझे बहुत एम्बेरसमेंट होता था पहले, अब नॉर्मल हो गया हूँ। थैंक यू, थैंक्स सर।